सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ जाता है। सात साल हो गए, आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। विजय का केस वापस गर्म हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आए हो, पुलिस यहाँ खोद रही है, वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। पापा, वो पुलिस आ रही है। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है, कुछ भी हो डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों आ रहे हैं? कहीं आपने भाई को तो? आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है, मगर वो तो अभी तक छानबीन कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? केस के बारे में क्या क्या याद है? सब कुछ। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। सर बात वहीं पे आके अटक जाती है, विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। एविडेंस है, वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। वो बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि विजय बाबू ने बॉडी वही छिपाई है। सर। आज तक दिल और दिमाग के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, आज भी वही करूंगा। मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है।